नमस्कार, फूड क्रेविंग्स अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी रेसिपी है मसाला पीनट। एकदम टेस्टी और कुरकुरे मसाला पीनट कैसे बनाना है मैं आपको बताऊंगी। तो आप चाय के टाइम पे शाम के वक्त इसको बना के खा सकते हो, या 15 से 20 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो। तो इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम मूंगफली के दाने। हम एक बाउल में निकाल लेंगे, उसमें डालेंगे बेसन 5 चम्मच। फिर हम इसमें ऐड करेंगे चावल का आटा। चावल का आटा ऐड करने से ये एकदम कुरकुरे बनते हैं। 3 चम्मच चावल का आटा यहाँ पे मैंने लिया है। फिर इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया है 2 चम्मच। थोड़ी सी डालेंगे हल्दी, नमक डाल देंगे स्वादानुसार, चटपटा लगने के लिए हम यहाँ पे डाल देंगे चाट मसाला 1/2 चम्मच, लहसुन और अदरक की पेस्ट 1 चम्मच। और इसको हम हाथ से अच्छे से तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि पूरे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी जो है हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। जो हमें मिक्सचर चाहिए वो गाढ़ा चाहिए। जो बेसन और राइस फ्लोर की जो कोटिंग है वो पीनट्स को अच्छी तरह से लगनी चाहिए। इस तरह सबका मिक्सचर हमें बना लेना है, गाढ़ा रखना है मिक्सचर। अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। यहाँ पे तेल को मीडियम से लो हीट पे गरम करना है। इस तरह से पीनट हमें सेपरेट से सेपरेटली डालना है। एक एक पीनट अलग अलग करके डालना है हाथ से। इस तरह से मैं पूरा मूंगफली यहाँ पे तेल में डाल दूंगी। इसको फ्राई करने के लिए 2 से 3 मिनट लगते हैं। देखो एकदम ही कुरकुरा और टेस्टी लग रहे हैं। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। देखो कलर भी बहुत अच्छा आया है। और अब हम इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता। यहाँ को मैंने कड़ी पत्ते को अच्छे से धो के ड्राई कर लिया था। अब कड़ी पत्ते को हम मूंगफली के दानों में मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी नमक, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा, चाट मसाला 1/2 चम्मच, और इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारे मसाला पीनट बनके एकदम रेडी है। बहुत ही टेस्टी और कुरकुरे मसाला पीनट यहाँ पे बने हैं। तो आप इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।